दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में 16 मार्च से 12 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों को लगेगा कोरोना वैक्सीन 60 प्लस को प्रिकॉशन डोज। जी हां, कोविड-19 से सुरक्षा को लेकर अब 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण 16 मार्च से शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके घोषणा कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 वर्ष वायु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60 प्लस आयु के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। मेरे बच्चों के परिजन व 60 प्लस आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। ध्यान रहे कि देश में 3 जनवरी 2022 से पहली बार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हुआ था। तब से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। इस कारण बड़े बच्चे के स्कूल खोलने में भी आसानी हुई है। अब 12 वर्ष के बच्चों को भी टीका लगाने से छोटे बच्चों को भी स्कूल भेजने में कोई हिचक नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में अब एक दिन में होगी जमीन की रजिस्ट्री, दस्तावेज के लिए नहीं करना होगा 5 दिन का इंतजार। जहां राज्य में जमीन रजिस्ट्री कराने पर अब दस्तावेज उसी दिन शाम तक मिल जाएगा। इसके लिए आपको लोक सेवा गारंटी कानून की समय सीमा 5 दिन का इंतजार नहीं करना होगा। आपको जमीन रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोक सेवा गारंटी कानून तहत आवेदन भी नहीं करना होगा। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इसके आदेश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों को निबंधन कार्यालय को नए आदेश के लागू करने के लिए कहा गया है। इससे जमीन रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन भरने में लगने वाले 1.5 घंटे का समय नहीं जाया होगा। अभी तक जमीन या फ्लैट दान के लिए आप लोगों को लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन देना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे लोगों को इससे बाध्यता से मुक्ति मिलेगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में छोटे बच्चों को बाइक पर बेल्ट लगाकर बिठाना होगा, कानून में हुआ बदलाव, जाने कब से लागू होगा। जहां सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटरसाइकिल पर सवार या ले जा रहे 4 साल से कम उम्र के बच्चों के सुरक्षा के उपाय पर MBI एक्ट में संशोधन किया है। मंत्रालय ने MBI एक्ट की धारा 138 में संशोधन कर सेफ्टी हॉर्नेस और क्रैश हेलमेट के उपयोग के अनिवार्य बताया है। आप बच्चों को बाइक पर बेल्ट लगाकर बिठाना होगा। MBI एक्ट में बदलाव अगले साल 15 फरवरी से लागू होंगे। क्रैश हेलमेट पहनना बच्चों के लिए अनिवार्य होगा। बाइक की स्पीड 40 से रहेगी। अगली बड़ी खबर, राज्य में अब गली मोहल्लों में नहीं दिखेंगे नंगे तार, विशेष अभियान चलाकर बिजली कंपनी लगाएगी केबल, इसी महीने से शुरू होगा काम। जी हां, अब गली मोहल्ले में बिजली के नंगे तार नहीं दिखेंगे। बिजली कंपनी ने ट्रांसफार्मर से लोगों के घरों तक पहुंचने वाले बिजली तार को कवर्ड रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य में विशेष अभियान चलाकर एरियल बंच केबल लगाए जाएंगे। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में इस वर्ष भी काम शुरू हो जाएगा। बिजली कंपनी ने इसके पहले राज्य में जर्जर बिजली तारों को बदलने का अभियान चलाया था। इसके तहत अब तक 85,000 किलोमीटर तार बदले जा चुके हैं। बड़ी खबर, बिहार में इस साल अप्रैल में चढ़ जाएगा पारा, अगले माह 40 डिग्री सेल्सियस के साथ टूटेंगे कई रिकॉर्ड। जी हां, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्रदेश का पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर जाने के आसार है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस की ओर तेजी से बढ़ा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 48 घंटे में उच्चतम पारा 35 पार करने जाने का पूर्वानुमान है। दरअसल प्रदेश में पूर्वैया हवा जोर पकड़ती रही है, वातावरण में नमी की मात्रा भी लगातार कमी दर्ज की जा रही है। IMD की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक रविवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान भागलपुर और बक्सर में 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगली बड़ी खबर, होली को लेकर बिहार के इन प्रमुख स्टेशनों पर रहेगी विशेष तैयारी, टिकट लेना होगा आसान। जी हां, होली पर बिहार से बाहर रहने वाले प्रदेश वासियों का अपने घर लौटने का सिलसिला शुरू होने वाला है। ट्रेनों व स्टेशनों पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए बिहार के कई स्टेशनों पर स्पेशल तैयारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर समेत समस्तीपुर, धनबाद, पटना, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जंक्शन, गया सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे। इसको लेकर रेलवे ने आदेश जारी कर दिया है। होली के दौरान यात्रियों के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर की यह सेवा 16 से 23 मार्च तक बहाल रहेगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। यात्रियों के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित देश के अन्य प्रमुख स्टेशनों से पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के लिए नियमित ट्रेनों के अलावा 24 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है।
बड़ी खबर, आम आदमी को लगा झटका, आज से महंगी हो गई मैगी, ब्रू कॉफी और ताजमहल चाय के दाम भी बढ़े। जहां देश भर में पहले से ही महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर है, इसी बीच आम जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। दूध के बाद अब कॉफी और चाय भी महंगी हो गई है। इसके साथ ही सबकी पसंदीदा फास्ट फूड मैगी के दाम भी बढ़ गए हैं। मैगी अब 2 रुपए महंगी हो गई है। नेशनल इंडियन ने ऐलान किया है कि उसने आज से मैगी की कीमतें 9 से 16% तक बढ़ा दी है। अब 70 ग्राम मैगी के पैकेट के लिए 12 रुपए के बजाय 14 रुपए देने होंगे। 140 ग्राम वाले मैगी के पैकेट की कीमत 3 रुपए बढ़ा दी गई है। वहीं 560 ग्राम वाले पैकेट के लिए आप 96 रुपए की बजाय 105 रुपए चुकाने होंगे। बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में स्पीकर पर भड़के नीतीश, 9 लोगों की हत्या पर स्पीकर ने पुलिस को फटकारा। सीएम गुस्से में बोले, सदन ऐसे नहीं चलेगा। जी, बिहार विधानसभा के बजट सत्र में कल बड़ा हंगामा हो गया। सदन के कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक संजय सरोगी ने लखीसराय में 52 दिन में 9 लोगों की हत्या में कानून व्यवस्था पर सवाल पूछा था। उन्होंने मंत्री से पुलिस कार्रवाई का जवाब चाहा। इस वक्त सीएम नीतीश कुमार अपने चैम्बर में थे। मामला उठते ही वे बेहद नाराज हो गए, गुस्से में सदन में आए और हंगामा करने वालों को जमकर फटकार लगा दी। सीएम ने स्पीकर विजय सिन्हा को भी नहीं छोड़ा, कहा कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, इस तरह से सदन नहीं चलेगा। एक ही मामले को रोज रोज उठाने का कोई मतलब नहीं है। इस दौरान सीएम और स्पीकर के बीच जमकर बहस हुई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, इस मामले में विशेष अधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी उस पर हम जरूर विचार करेंगे, किसी तरह का भ्रम है तो बातचीत की जाएगी, देखेंगे कि कौन सा पक्ष सही है। सिस्टम संविधान से चलता है, किसी भी क्राइम की रिपोर्ट कोर्ट में जाती है, सदन में नहीं। कृपया करके ज़्यादा मत करिए, जो चीज़ जिसका अधिकार है उसको करने दीजिए। हमारी सरकार ना किसी को बचाती है और ना ही किसी को फंसाती है। बड़ी खबर, 45 दिन में बिहार को मिल जाएंगे 3270 आयुष डॉक्टर। कोरोना वायरस ने बताया आयुर्वेद का महत्व, आयुष डॉक्टर से इलाज होगा आसान। जी, कोरोना काल में आयुर्वेद और यूनानी के साथ होम्योपैथ ने अपनी ताकत बता दी है। असाध्य रोगों को ठीक करने के सक्षम यह पद्धति बिहार में फिर से तेजी से विकसित की जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार आयुष डॉक्टरों की भर्ती कर रही है। इसके लिए सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सरकार का दावा है कि बिहार को आने वाले 45 दिनों में 3270 नए आयुष डॉक्टर मिल जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा है कि वह आने वाले दिनों में व्यवस्था को हाईटेक कर देंगे। बड़ी खबर, जेईई मेन के पहले चरण की तिथियों में हुआ बदलाव, अब 21 अप्रैल से 4 मई तक होगी जेईई मेन्स की परीक्षा। जी हां, जेईई मेन्स 2022 के अप्रैल के तिथियों में बदलाव किया गया है। इसकी सूचना सोमवार सुबह जेईई मेन व एनडीए के वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इस वर्ष यह परीक्षा अप्रैल व मई में 2 चरणों में होना है। जेईई मेन का पहला चरण 16 से 21 अप्रैल तक होना था, लेकिन स्टूडेंट की बोर्ड परीक्षाओं के टकराव की आपत्तियों के चलते इन परीक्षा तिथियों में बदलाव किया गया है। अब अप्रैल की परीक्षा 21 अप्रैल से 4 मई तक होगी। इसमें 21, 24, 25 व 29 अप्रैल तथा 1 व 4 मई को परीक्षा का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड इंटर टॉपर्स का वेरिफिकेशन कार्य शुरू, जाने कब आएगा रिजल्ट। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी हो जाएगा, इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बिहार बोर्ड इंटर के टॉपर्स का छात्रों का वेरिफिकेशन कार्य सोमवार से शुरू हो गया। बिहार के इंटर परीक्षार्थी होली से पहले अपना रिजल्ट जान सकेंगे। इंटरमीडिएट छात्रों की खुशी इस होली में और बढ़ जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस बार होली से पहले इंटर रिजल्ट जारी करने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि रिजल्ट जारी करने को लेकर सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बड़ी खबर, देश का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने वाले सीडेक का केंद्र अब बिहार में स्थापित होगा, देश का 14वां सेंटर। जी, बिहार सरकार ने देश का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने वाले संस्थान सीडेक का एक केंद्र पटना में शुरू करने का फैसला किया है। अब तक देश में 13 सीडेक सेंटर संचालित है, पटना में यह 14वां होगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस सेंटर की स्थापना के लिए 65,55,00,000 रुपए की मंजूरी दी है। बड़ी खबर, ट्रेन में बिना रिजर्वेशन यात्रा को लेकर रेलवे का नया नियम, नहीं जानेंगे तो होली में होंगे परेशान। जी, कोरोना महामारी के पहली बार सामने आने के बाद जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा तो रेलवे ने भी अपनी यात्री सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी थी। बाद में स्थिति नियंत्रित होने के साथ ही धीरे धीरे ट्रेन सेवाओं को तो शुरू किया गया, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेनों में अनारक्षित यानी जनरल टिकट वाले डिब्बों की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। अब जनरल कोच में यात्रा के लिए आरक्षण जारी,
रिजर्वेशन कराना जरूरी हो गया। करीब 2 साल तक ऐसे व्यवस्था चलते रही। यात्रियों की मांग और कोरोना संक्रमण की स्थिति काफ़ी हद तक सामान्य होने पर रेलवे ने पिछले दिनों ऐलान किया कि अब जनरल कोच में बिना आरक्षण कराए यात्रा संभव हो सकेगी, लेकिन इसमें कई पेच है। आपको बता दें कि लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा के लिए जनरल टिकट अभी नहीं मिल रहा है। अगर स्थिति सामान्य रहती है और रेलवे अपने फैसले पर कायम रहता है तब भी जनरल टिकट पर यात्रा के लिए रेल यात्रियों को अभी कम से कम जुलाई महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। खबर सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, विधान पार्षद चुनाव के बाद बाढ़ को बनाएंगे जिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बाढ़ दौरे पर थे, यहां उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव के बाद वह बाढ़ को जिला घोषित कर देंगे। आपको बता दें कि इस तरह बिहार को एक और जिला मिल जाएगा। अगर बाढ़ को जिला का दर्जा मिल जाएगा तो बिहार में 39 जिले हो जाएंगे। अभी बिहार में 38 जिला है। सीएम कल बाढ़ में कार्यकर्ताओं और पुराने साथियों से मिल रहे थे, इसी बीच उन्होंने यह बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश ने कहा कि सबसे पहले हम यहीं से सांसद बने थे और जब हम एमएलए थे तब इस इलाके में आकर घूमने आए थे और समस्या सुने थे। सीएम ने कहा कि बाढ़ से तो मेरा पुराना लगाव रहा है, 89 से हम लगातार घूमते रहे हैं, काम करते रहे हैं। अब यहाँ के लोगों की जो इच्छा है उसको तो पूरा करके ही ना हम रहेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग जिला की मांग कब से की जा रही है, जब सब काम कर रहे हैं तो इसको कैसे छोड़ दिया, अब चुनाव के बाद इस पर काम होगा। और अंत की बड़ी खबर, टीम इंडिया ने लगातार 15वीं होम सीरीज जीती। दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को 238 रन से हराकर क्लीन स्वीप, बुमराह के 8 विकेट, ऋषभ मैन ऑफ द सीरीज। जहां बेंगलुरु में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को 238 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। आपको बता दें कि मैच में बुमराह ने कुल 8 विकेट लिए, वही ऋषभ पंत मैन ऑफ द सीरीज चुने गए। आज के लिए आपका सवाल, बताए कि 16 मार्च से आप अपने 12 से 13 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।